स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन में तीन बेंजीन रिंग्स लीनियरली फ्यूज्ड होती हैं एंड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इनको डबल बॉन्ड्स ना दिखा करके सर्कल्स से भी दिखा सकते हैं। तीन सर्कल्स अंदर बना दिए और डबल बॉन्ड्स वाले स्ट्रक्चर्स अभी मैं आपको बताती हूँ। एंड अबाउट द नंबरिंग, तो इसमें भी हम दो तरह से नंबरिंग कर सकते हैं। एक तो ये नंबर सिस्टम से 4 और 5, ये है 6, 7, 8, ये पोजीशन 9 पोजीशन है और ये 10 पोजीशन है। और अगर हम अल्फा बीटा की टर्म्स में करें तो इसमें 3 पॉसिबल पोजीशंस बनती हैं। ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये पोजीशन बीटा, ये बीटा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा एंड दिस इज गामा। तो जब मोनो सब्स्टिट्यूशन होती है एंथ्रासीन में तो वहां 3 पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं। या तो सब्स्टिट्यूएंट अल्फा पोजीशन पे जाएगा या किसी बीटा पोजीशन पे जाएगा, ये सब बीटास इक्विवेलेंट है, या किसी गामा पोजीशन पे जाएगा। और अगर डाई सब्स्टिट्यूशन है या हायर सब्स्टिट्यूशन है तब फिर नंबरिंग के लिए हम 1, 2, 3, 4 ये वाला सिस्टम अडॉप्ट करते हैं, तब अल्फा बीटा गामा से नंबरिंग नहीं की जाएगी। और एंथ्रासीन में जिस तरह हमने नेप्थलीन में पढ़ा कि सब्स्टिट्यूशन मेनली अकर्स एट अल्फा पोजीशन, और इधर एंथ्रासीन में सब्स्टिट्यूशन मेनली अकर्स एट पोजीशन 9 और 10। ये क्यों होता है, इसका रीजन भी ऑब्वियसली फ्रॉम द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस से ही आंसर होगा, तो इस चीज को अभी हम आगे लेंगे वीडियो में। अभी सबसे पहले इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देखते हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ एंथ्रासीन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखो, एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम यहां पे ये वाली रिंग को कंप्लीट कर लें, इसके तीनों डबल बॉन्ड्स बनाएं, इसको बेंजीनोइड रिंग बना दें। यहां से मैंने डबल बॉन्ड बनाना शुरू किया। अब क्योंकि यहां डबल है, यहां सिंगल होगा, फिर आगे डबल आएगा, डबल सिंगल डबल, तभी ये अल्टरनेट पोजीशंस पे आ पाएंगे। अब यहां दो डबल बॉन्ड है, इधर सिंगल है, ये सब ठीक हो गया, यहां तक ठीक है। इसके बाद आगे भी ऐसे ही होगा, ये सिंगल है, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड आएगा। सो दिस इज वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लेट अस कॉल इट एज ए। लेट अस ड्रॉ अनदर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नंबर बी वी विल कॉल इट, इसको बी नाम दे देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, अब हम डबल बॉन्ड हमने यहां से शुरू किया था, अब इस बार यहां बनाएंगे डबल बॉन्ड, और अभी भी हमने ये वाली रिंग कंप्लीट कर दी, बेंजीनोइड रिंग बना दी। अब क्योंकि यहां हमने डबल बनाया है, अब हमें यहां दो डबल बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। अब यहां डबल बने तो ऑल्टरनेट रखने हैं अगर बॉन्ड्स, तो ये पोजीशन है, इसमें हमने, प्लीज एक्सक्यूज मी, ये एक रिंग एक्स्ट्रा बना दी है, ये बनेगा स्ट्रक्चर। और इसके बाद एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इस साइड से लेंगे, या एक स्ट्रक्चर पहले देखो इधर से बनाते हैं। मैं यहां डबल बॉन्ड बना रही हूं, यहां भी बनाएंगे, अगले स्ट्रक्चर में बनाएंगे। मैंने अभी यहां बनाया डबल बॉन्ड और ये वाली रिंग कंप्लीट कर दी। अब क्योंकि यहां डबल बॉन्ड बनाया है तो इधर बनेंगे दो डबल बॉन्ड और इस रिंग में इधर बनेंगे, ठीक है। अब एक और स्ट्रक्चर हमें बनाना है, ये बनाई मैंने खाली रिंग्स। अब इधर डबल बॉन्ड बनाएंगे, यहां बनाया, यहां बनाया, ये वाली रिंग कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब इधर डबल बॉन्ड है तो अब इधर डबल बॉन्ड्स बनेंगे, अल्टरनेट रखते हुए बनाते जाएंगे। अब इन स्ट्रक्चर्स में क्या रिलेशन है आपस में वो देखते हैं। देखो, यहां से शुरू करते हैं ए स्ट्रक्चर से, ये स्ट्रक्चर नंबर सी है और ये स्ट्रक्चर नंबर डी है। स्ट्रक्चर ए में आपने देखना है कि यहां पे एक रिंग बेंजीनोइड है और ये दो रिंग्स क्यूनोइड हैं। इसकी बात हमने पहले भी की थी, ये वाली रिंग
बेंजीनॉइड है, क्योंकि बेंजीन की तरह है, पूरे डबल बॉन्ड्स अंदर बेंजीन की तरह है। ये दो रिंग्स यहां पे ये क्यूनॉइड है, दीज टू रिंग्स आर क्यूनॉइड। स्ट्रक्चर बी में हम देखें ये रिंग बेंजीनॉइड है और ये भी बेंजीनॉइड है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड हम इस रिंग में देख रहे हैं लेकिन ये बॉन्ड शेयर हो रहा है, ये कॉमन कार्बन है, दोनों कार्बन कॉमन है इन दोनों रिंग्स में, इस रिंग में और इस रिंग में ये कॉमन है। तो क्योंकि ये कॉमन कार्बन हैं तो ये डबल बॉन्ड इस रिंग का भी माना जाएगा और ये रिंग भी बेंजीनॉइड हुई, तो यहां पे टू रिंग्स आर बेंजीनॉइड, दीज टू रिंग्स आर बेंजीनॉइड। जबकि ये वाली रिंग इज अ क्यूनॉइड रिंग। आगे वाले स्ट्रक्चर में भी ये दो रिंग्स जो हैं ये बेंजीनॉइड हैं, और ये एक रिंग जो है ये क्यूनॉइड है, और इस स्ट्रक्चर में ये दो रिंग्स कैसी हैं, कैसी हैं ये दो रिंग्स क्यूनॉइड हैं, और ये एक रिंग, ये ऊपर की तरफ लिख देते हैं, ये रिंग बेंजीनॉइड है। अब फ्राइज रूल या फ्रीज रूल जो हम कहते हैं, हमने पहले पढ़ा है ये FRIES, फ्राइज रूल। फ्राइज रूल क्या कहता है कि जितने ज्यादा बेंजीनॉइड रिंग होते हैं किसी भी पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन में वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो अब यहां हम देख रहे हैं एक बेंजीनॉइड रिंग है और ये बीच वाले जो दो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें दो बेंजीनॉइड रिंग्स हैं, और इस आखिर वाले स्ट्रक्चर में भी एक ही बेंजीनॉइड रिंग है। तो ये जो बीच वाले दो स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर नंबर बी एंड सी, दीज आर मोर स्टेबल स्ट्रक्चर्स एंड दे कॉन्ट्रीब्यूट मोर टूवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल दीज फोर स्ट्रक्चर्स टू बिकम अ मॉलिक्यूल ऑफ एंथ्रासीन। अब दिस इज द रेजोनेंस कंसेप्ट, so let us now find out some evidences in favor of this resonance concept. So our first evidence is in terms of bond length data. The data is obtained from x-ray studies and according to x-ray studies we notice that the bond length of C1-C2 bond in anthracene is 1.37 angstroms and the bond length of C2-C3 bond is 1.42 angstrom. So as we can see, the bond length is shorter in case of C1-C2 bond, in case of the bond between C1 and C2. तो इसका मतलब C1-C2 bond में it should have a greater double bond character as compared to the C2-C3 bond. अब देखते हैं कि क्या structures में भी ऐसा है, is it true कि C1-C2 bond में ज्यादा double bond character दिखता हो? तो लेट अस सी द स्ट्रक्चर्स क्लोजली वंस अगेन। ये C1-C2 बॉन्ड है, इस स्ट्रक्चर नंबर ए में यहां डबल बॉन्ड है, स्ट्रक्चर नंबर बी में भी यहां डबल बॉन्ड है और सी में भी डबल बॉन्ड है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर नंबर डी है जहां यहां C1-C2 के बीच सिंगल बॉन्ड है। तो चार में से तीन स्ट्रक्चर्स में डबल बॉन्ड हो और एक में ना हो तो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर 3-4 हो गया, 3-4 बॉन्ड्स में, 3/4 बॉन्ड्स में there is a double bond, we can interpret it like this also. और C2-C3 bond को देखते हैं तो C2-C3 bond ये वाला bond है, ये single है, यहां भी single है, अगले structure में भी single है लेकिन last वाले में double है, तीन में single और एक में double, that means 1/4 double bond character it has. तो जो चीज एक्सरे स्टडीज से सामने आ रही है वही चीज स्ट्रक्चर भी कह रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सरे स्टडीज से जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं, दीज आर एक्चुअली एन एविडेंस इन फेवर ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, दीज फोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ एंथ्रासीन। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द
सेकेंड एविडेंस. सेकेंड एविडेंस इज इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस एनर्जी. द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एंथ्रासीन इज 351 किलो जूल पर मोल, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 विल गिव अस अ वैल्यू ऑफ 117 किलो जूल पर मोल. And we know that this value is less than the value of 151 kilojoule per mole, जो कि बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी होती है, या ये वैल्यू 127.5 kilojoule per mole से भी कम है, जो कि नेप्थलीन में हर बेंजीन रिंग की रेजोनेंस एनर्जी के बराबर है. इसका मतलब पर बेंजीन रिंग the resonance energy is least in case of anthracene, and therefore we expect anthracene to be the most reactive among benzene and naphthalene. The molecule of anthracene is actually found to be more reactive in its chemical reactions because they readily take place, the addition reactions and the electrophilic substitution reactions of anthracene readily take place. Very drastic conditions are not required and they readily take place. Anthracene में अगर हमने orbital इसका picture देखना है तो या molecular orbital concepts इसको देखना है, orbital concepts इसको देखना है, तो इसमें हम इस तरह से इसको देख सकते हैं. ये तीन rings बनाएंगे, इस तरह से, और एक एक पी ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड शो करेंगे हर कार्बन आटम पे. दीज पी ऑर्बिटल्स आर लाइंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल. द मॉलिक्यूल इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल एंड दीज ऑर्बिटल्स आर लाइंग परपेंडिकुलर बिकॉज एवरी कार्बन आटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. Every carbon atom, all these carbon atoms are sp2 hybridized and one p orbital is left unhybridized. Now these pi orbitals which are left unhybridized, they overlap laterally like this, in this way to form an electron cloud above and below the plane. They'll form an electron cloud above and below the plane of the molecule. And in this cloud, 14 electrons will be delocalized. Where are these 14 electrons? These 14 electrons are clearly visible in these 7 double bonds which are present inside these 3 rings.